अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सिद्रा कंवल है। मैं KG2 क्लास की टीचर हूँ गवर्नमेंट अक्सा मॉडल स्कूल के जानिब से। आप सबको मैं ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हमारा दूसरा हफ्ता और पांचवा दिन चल रहा है, ठीक है। हरफ तहजी को मुकम्मल करने के लिए हरफ लिखें, हमें ये जो डैश डैश दिख रहे हैं इसको फिल करना है। हरफ तहजी मुकम्मल करनी है, कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले डैश दिया हुआ है, सबसे पहले क्या आता है हरफ तहजी में, अलीफ। चलें मेरे साथ आप लिखते जाएं और पढ़ते जाएं साथ साथ। अलीफ, अलीफ के बाद क्या आता है, बे। बे के बाद पे आ गया, पे के बाद क्या आता है, ते। ते के बाद क्या आता है, टे। अब से आ गया, से के बाद क्या आता है, जीम। जीम के बाद क्या आता है, चे। हमें ये जो डैश दिए हैं इसको मुकम्मल करना है, हरफ तहजी को मुकम्मल करना है। हरफ के बाद हरफ लिखते जाएंगे, ठीक है। चे, चे के बाद हे लिखा हुआ है, हे के बाद क्या आएगा, खे। दाल, दाल के बाद डाल, डाल के ऊपर तोय। डाल के बाद क्या आएगा, डैश लिखा हुआ, डाल के बाद जाल। रे, रे के बाद क्या आएगा, रे। जे, बड़ी जे, सीन। शीन, शीन के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, तीन। शीन, सौत। अब सौत के बाद दुआत लिखा हुआ है, दुआत के बाद क्या आएगा, तोय। अब जोएं भी लिखा हुआ है, अब जोएं के बाद क्या आता है, ऐन, ठीक है। ऐन के बाद गैन लिखा हुआ है, अब क्या लिखेंगे, फे। फे के बाद कॉफ लिखा हुआ है, कॉफ के बाद क्या आएगा, काफ। अब काफ के बाद गाफ तो लिखा हुआ है, गाफ के बाद क्या आएगा, लाम। लाम के बाद मीम, मीम के बाद नून लिखा हुआ है, नून के बाद क्या आएगा, वाव। वाव के बाद हा लिखा हुआ है, हा के बाद क्या आएगा, हमजा छोटी। बड़ी लिखा हुआ है। आज हमने क्या काम किया, हरफ तहजी को मुकम्मल करा। ये जो डेट डेज दिए हुए थे इसको हमने हरफ तहजी की मदद, हरफ तहजी लिखी, ठीक है बच्चों। ये लिखा है अमली मक्शन सफ़ा नंबर 6। हमें बुक में भी काम करना है, ठीक है। चलें देखें, ये हमारी बुक है उर्दू की अमली मश्कें हिस्सा सौम। हमें सफ़ा नंबर 6 निकालना है और आप लोग भी निकालें मेरे साथ साथ। देखें बच्चों, हमने सफ़ा नंबर 6 निकाल लिया है, ठीक है। हमारा दूसरा हफ्ता चल रहा है, दूसरा हफ्ता है और पांचवा दिन। ठीक है, पांचवा दिन चल रहा है हमारा दूसरा हफ्ते का। हमने अलिफ से ये तक तमाम हरफ तहजी तरतीब से लिखें और पढ़ें। हमने जो अभी हाथ फेरी हरफ तहजी पढ़ी थी उसको ही देखकर आपने उसकी मदद से यहाँ पर भी हरफ तहजी लिखनी है, ठीक है।